उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकाल के एक वर्ष पूरे होने पर उनके द्वारा वर्ष भर में किए गए विकास कार्यों को सोमवार को एलईडी वैन के माध्यम से लोगों के बीच रखा गया। सोमवार को अंबेडकर चौराहा, गोलघर, काली मंदिर और धर्मशाला बाजार सहित कई अन्य प्रमुख चौराहों पर एलईडी लगाई गई, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में अब तक किए गए विकास कार्यों को जनता के बीच रखा गया, जिसे देखने के लिए एलईडी वैन के पास लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। एलईडी वैन का संचालन कर रहे भाजपा के नेता आदित्य गुप्ता ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बताया, सरकार के इस कदम से लोगों के मन में उत्साह की ऐसी लहर उठी कि उनके मन से खुशी के स्तर फूट पड़े। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 86 लाख रुपए तक की फसली ऋण को माफ किया। अब उनका बस लिखाओ बारे में समाज में हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिससे समाज को अपने अंदर अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा हो और वो विभिन्न लाभों का लाभ ले सके। जयपुर के माध्यम से क्या आप दिखा रहे हैं यहाँ पे? देखिए, आज लखनऊ में पूज्य महाराज जी अपने शासन के एक वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों की चर्चा कर रहे हैं। इस प्रोजेक्टर के माध्यम से हम महानगर की जनता को सीधे महाराज जी से रूबरू करा रहे हैं और जनता के हितों के लिए महाराज जी ने जो कार्य विगत एक वर्षों में किए हैं उन्हें हम जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं इस प्रोजेक्टर के माध्यम से।